और ये मैरिज हॉल एसी एंड नॉन एसी हॉल उपलब्ध है। शादी विवाह जन्मदिन मीटिंग रिसेप्शन सगाई आदि के लिए संपर्क करें। बेपुरा स्थित किसान भवन में दर्जनों किसानों के बीच किया गया धान के बीज का वितरण। जीरादेव प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में बुधवार को किसानों के बीच धान के बीज का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक सहित अन्य पदाधिकारियों व कर्मियों के मौजूदगी में किसानों के बीच निर्धारित मूल्य पर धान के बीज का वितरण किया गया। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसान अपने नजदीकी किसान सलाहकार से सलाह के तहत धान के बीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस बार समय से किसान के धान के बीज ई किसान भवन में आने से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। हर बार बहुत लेट धान का बीज आता था, जिससे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। धान वितरण में मुख्य रूप से प्रखंड कृषि पदाधिकारी कुमार रामानुजम, कृषि समन्वयक महेश पांडे, किसान सलाहकार हरेराम कुमार, प्रखंड के सभी पंचायत के किसान सलाहकार एवं किसान मौजूद थे। अभी जो यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा अनुदानित दर पे बीज दिया जा रहा है, किस प्रकार से दिया जा रहा है? देखिए, पहले तो किसान ऑनलाइन बुकिंग कराया है जी, उसके अनुसार योजनावार हम लोग उसको जो लक्ष्य है उसके अनुरूप हर पंचायत में मार्ग दिया गया है जी जी, उसी के अनुरूप हम लोग हर किसान को दे रहे हैं। जैसे धान है, धान में दो किस्म का चीज है, जो 10 वर्ष से कम अवधि का जी, 10 वर्ष से अधिक अवधि का, तो अलग अलग उसमें अनुदान है जी। जैसे 10 वर्ष से कम का है जी, तो उसमें 20 रुपया किलो जी। 10 वर्ष से अधिक का है जी, उसमें 15 रुपया किलो अनुदान है जी। इसके अलावा हम लोग मुख्यमंत्री बीज दे रहे हैं जी, जैसे हर राजस्व गाँव का में 5 किसान को धान में जी। ठीक है सर, अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम जैसी चौधरी, कृषि समन्वय जीरा।